मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि कुमार, वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज मैं सुबह किसी से मिलने जा रहा था, तो मैं रोड पर था, तो मैंने सोचा कि आज आपको कुछ बता देता हूँ कि रोड की जो व्यूज वगैरह हैं, और जो इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ नॉलेज मिलेगी, कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर कैसे काम होता है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं और किस तरह के प्रोसीजर्स हैं, वो टोटली इंडिया से डिफरेंट हैं। सो मैं अभी रेड लाइट पर खड़ा था एक्चुअली, तो मैं सोच रहा था कि आगे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उस वीडियो को कैप्चर करा जा सके, ताकि जो पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्शन जॉब्स के लिए आ रहे हैं, तो उनको कोई आइडिया हो जाए कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन जॉब होता है, हार्ड जॉब होता है, इजी होता है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सिनेरियो और स्केच हो जाएगा। देखो अभी रेड लाइट हो रही है, इसलिए मैं क्रॉस नहीं कर सकता, तो बहुत सेफ्टी कंसर्न है सिंगापुर में। सो हम वेट करेंगे कि जब ग्रीन लाइट होगी तो उसके आगे ऊपर चलेंगे। सो कुछ ही देर में मिस आपको जब ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन की साइट का भी देखो, ग्रीन लाइट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि देखो सिंगापुर में जो रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी टफ है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ होते हैं हर चीज़ के, और जो भी यहाँ काम जो होता है वो बड़े सेफ्टी कंसर्न को बहुत ही मेजर दिया जाता है। देखो अभी मैं पेडेस्ट्रियन पर हूँ, अगर आप देखेंगे तो कि रोड पर जो होते हैं, मेन रोड होता है, उस पर आप बाइसिकलिंग या वॉकिंग नहीं कर सकते, आपके लिए पेडेस्ट्रियन अलग से बनाए होते हैं जो रोड के किनारे होते हैं। जगह जगह पर आपको वॉकिंग के जो टैटूज वगैरह होते हैं, जो पैम्फलेट्स जिसे बोलते हैं, आपको पता लगे कि इस डायरेक्शन में हमें जाना है। देखो आगे स्टार्ट हो चुका है कि कंस्ट्रक्शन का, अभी पेडेस्ट्रियन और रोड्स के बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मे बी इसे लेवलिंग बोलते हैं, सॉइल लेवलिंग हो रहा है, कि मिस प्लेन रोड कर रहे हैं उसको, तो रोलर यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी मिस मॉडर्नाइज तरीके से ये लोग काम करते हैं, और जो टेक्निक्स हैं काफ़ी अच्छी, सेफ्टी को बहुत अच्छा कंसर्न किया है। देखो अभी ये रोड ब्लॉक करके भी अपना काम कर रहे हैं, तो ट्रैफिक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पेडेस्ट्रियन जो वॉकिंग में चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मशीन्स हैं, और देखो कुछ आदमी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में इंडियंस के लिए जॉब नहीं, देखो ये इंडियंस ही काम कर रहे हैं रोड पर, शायद ये तमिल के हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी अगर मैं देखी जाए तो 22 से 25 डॉलर के बीच होती है पर डे, और ओटी वगैरह अलग होता है, लेकिन इनकी जो बेसिक होती है वो वर्क परमिट पर 20 से 25, अगर एस पास की बात करें हम तो उनकी सैलरी 2400 के आसपास होती है। देखो ये बस स्टैंड के बीच में भी उन्होंने पेडेस्ट्रियन दे रखा है, कि अगर बस स्टैंड से जाना हो तो पेडेस्ट्रियन ये है जो रास्ता जिसे बोलते हैं। अभी देखो टैटूज वगैरह जो आपको देखेंगे साइड वॉक्स के लिए। सो एक जॉब का जो नज़रिया है सिंगापुर में, बहुत ही स्टैंडर्ड वे में जो कोई भी काम करते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड वे में करते हैं, सेफ्टी को तो बहुत ही कंसर्न देते हैं। देखो ये आदमी कुछ सेफ्टी सुपरवाइजर है, ये मैनेज कर रहा है कुछ इस एरिया को, ये शायद मैं पेडेस्ट्रियन में इसी को पेडेस्ट्रियन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इन्होंने वे दे रखा है, अगर मैं एनी हाउ क्रॉस, तो मेरे को जिस रोड चल रहा है, बिजी रोड है, कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने ऐसा वे बनाया कि इस वे के थ्रू आप रोड क्रॉस करेंगे। सो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में पूछना है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अभी कैसी लगी मुझे ये भी बताना, और आने वाले समय में कुछ और भी वीडियो आएंगी। इस सिनेरियो था, आपको कुछ समझ में आया होगा श्योरली, आई होप सो। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है शेयर सब्सक्राइब, फैमिली ग्रुप और फेसबुक वगैरह का शेयर कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, ताकि पता लगे कि सिंगापुर में किस तरह की जॉब अवेलेबल है, क्या क्या प्रोसीजर हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।